और आज पुरस्कृत हुए हैं यहाँ इस, आप कह लें पुस्तक मेला, और आप कह लें कि एक बच्चों के लिए बड़ा, युवाओं के लिए एक बड़ा उत्सव है यहाँ, उनसे बात करेंगे। विनायक, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद में खुश हूँ कि मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं कि मेरे को अवार्ड मिल सका है। अवार्ड लेकर अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? टेंथ में पढ़ता हूँ मैं। कौन से स्कूल में? श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल। कहाँ है ये स्कूल? द्वारका में। जो द्वारका से आए हैं तो बोलने की जो कला यहाँ सीखते हैं, आपको लगता है इसका आम जीवन में कोई इस्तेमाल होता है? हाँ, आम जीवन में जो बोलने की कला है वो बहुत यूज़फुल होती है। जैसे अगर किसी से बोले हम, किसी को कुछ अपनी बात मनवानी है, या फिर जैसे स्कूल में या फिर कहीं भी लाइफ में कभी भी एक आता है कि दोस्तों के बीच में, तो बोलना की बहुत इंपॉर्टेंट कला है। कि मतलब कि सामने अपने विचार प्रस्तुत करें, या फिर किसी दूसरे के विचार अच्छे नहीं लग रहे तो उसको अपनी तरफ खींचें। जैसे किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं है, तो फिर वो मतलब यूज़फुल होता है उन चीज़ों में। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, आपको अपने आप को बताना आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत बात होती है लेकिन वो मंच पर जाकर उस आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल पाते जैसा आप बोल लेते हैं, जैसा यहाँ मैं देख रहा हूँ इतने सारे बच्चे हैं वो बोल पाते हैं। तो ये जो सीख रहे हैं, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और चैंपियंस फॉर चेंज यूथ इम्पैक्ट अवार्ड वो मिला है आपको, तो आपको उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कुछ अच्छा कर रहे हैं बच्चे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुक्ता है। जी तो कुछ अच्छा कर रहे हैं बच्चे यहाँ? बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं स्पेशल बधाई देना चाहती हूँ प्रियंका बहल जी को, जिनकी गाइडेंस में, जिनके देखरेख में ये बच्चे वो काम कर पा रहे जो शायद हम आज तक हम नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आपको लगता है कि वो समय लौट आए और आप भी यही सब सीखें? नहीं, मुझे लगता है जो गया है वो किसी कारण से गया, और हम जो आज यहाँ खड़े हैं अपने पीछे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ही कहीं हमें लगा होगा कि कहीं हमें चूक रहेगी, शायद तभी हम अपने बच्चों को लेकर